बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हमेशा से ही बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास व कोशिश करती रहती हैं और उसकी वजह से फेरबदल भी करती रहती हैं, जो कुछ लोग पसंद करते हैं कुछ लोग नापसंद करते हैं। लेकिन अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐसा बदलाव किया जिससे मुस्लिम और यादव वोट बसपा में बरसेगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को संगठन में शीर्ष स्तर पर फेरबदल किया। उन्होंने राज्यसभा के पूर्व सदस्य मुनकान अली का कद बढ़ाते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। अभी तक प्रदेश अध्यक्ष रहे आरएस कुशवाहा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के मुनकान अली को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मायावती ने सर्व समाज में सामंजस्य बनाने के लिए दानिश अली को लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया है। उनके स्थान पर पिछड़े वर्ग के ताल्लुक रखने वाले जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव को संसदीय दल का नेता बनाया गया है। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश कुमार पांडे लोकसभा में बसपा के उपनेता होंगे। बसपा में इस कदम को सपा के परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम और यादवों को रिझाने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनावों से पहले बसपा ने सपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा। बसपा ने यूपी में जोरदार वापसी करते हुए 10 सीटें जीती, जबकि पिछली बार उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। साथ ही इस बार देश भर में 4% और यूपी में कुल 20% वोट हासिल किए। दूसरी ओर सपा को गठबंधन का खासा नुकसान उठाना पड़ा। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल समेत उनके चचेरे भाइयों को भी इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। सपा को केवल 5 सीटों पर ही जीत मिली। मायावती ने आरोप लगाते हुए कहा कि सपा के परंपरागत वोटरों ने उसका साथ नहीं दिया, गठबंधन तोड़ दिया था। विशेषज्ञों के मुताबिक यूपी विस की 11 सीटों के उपचुनाव में बसपा हर कीमत पर लोकसभा जैसी जीत हासिल करने की जुगत में है, इसलिए यह फेरबदल किया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।